केशव राय जी ये लोखंड वाला क्लब का कार्यक्रम हमेशा करते रहते हैं और दो तीन बार मैंने भी अटेंड किया है. काफ़ी अच्छा प्रोग्राम होता है और क्वाइट एंटरटेनिंग ऑल्सो. गॉड ब्लेस हिम. और जो माहौल है कभी कविता या जो शायर होते हैं, क्या कहते हैं आपके दौर में कितने लोग आप खुद कभी जाते होंगे तो कैसा लगता है आपको जो जाती है समारोह में जहाँ बहुत सारे शायर हों या कविता व्यक्ति हों? मैं 13 साल की उम्र से लिख रही थी और लिखते लिखते 6000 पोएट्रीज लिख डाली, 20 किताबें लिख डाली. कभी मैंने कवि सम्मेलन अटेंड नहीं किए थे. लिखती गई टाइम ही नहीं था. मैं और कामों में बिजी थी. मैं आरजे हूँ, मैं और भी कई सारे काम करती हूँ, तो मुझे समय नहीं मिलता था कि मैं कवि सम्मेलन अटेंड करूँ. बहुत सारे इन्विटेशंस भी आते थे. फिर मैंने सोचा कि नहीं, जब मैं इस विधा में हूँ तो मुझे अटेंड करना चाहिए. और फिर अटेंड करना केशव राय जी के ही फंक्शनों से शुरू किया मैंने. काफ़ी चर्चित लोग, काफ़ी समझदार लोग, काफ़ी अच्छे लोग, जाने माने लोग आते हैं यहाँ पर. जैसे डॉक्टर अचला नागर जी को कई बार मैंने देखा यहाँ पर, और मिसेस भारती को मैंने देखा कई बार यहाँ पर, और श्रीमती माया गोविंद जी आती हैं. तो काफ़ी नामी लोग आते हैं और अपनी अपनी रचनाएं सुनाते. बहुत अच्छा लगता है, बहुत सीखने को मिलता है और खुद भी एक्सपोजर भी मिलता है. लेकिन आप क्या कहेंगे इस बारे में, स्टैंडर्ड के बारे में, और जो माहौल है कविता सम्मेलन हो गया या हास्य सम्मेलन हो गया, इस बारे में? मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि मेरी मम्मी की मैं पहली ऑडियंस थी. वो कुछ भी लिखती थी वो सबसे पहले मुझे सुना देती. तो मैं अपनी मम्मी की ऑब्वियसली सबसे बड़ी फ़ैन हूँ और उनकी बदौलत मुझे इस माहौल में बढ़ने की एक अपॉर्चुनिटी मिली. मैं बचपन में मम्मी के साथ कितने सारे सम्मेलनों में जाती थी और मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आता था जब मम्मी को कवि सम्मेलन के लिए इनवाइट किया जाता था और मम्मी वहाँ पे कविताएं सुनाती थी. और इतने बड़े बड़े पोइट्स को और राइटर्स को मैंने सुना है अपने बचपन में. रामरिक मनहर जी, निदा फाजली जी, और मतलब मैं कितने नाम लूँ वो कम पड़ेंगे. सो मुझे बस थैंक यू कहना है मॉम को कि वो मुझे ऐसे सम्मेलनों में ले जाती हैं साथ में, तो मैं वापस से बड़ी खुशी से जाती हूँ. बिकॉज ऐसा माहौल टू गेट सच अ स्टिमुलेटेड एंड अ वेरी रेरिफाइड एनवायरनमेंट इज़ एक्सट्रीमली गुड फॉर माई क्रिएटिवली इंक्लाइंड एंड कल्चरली डेवलप्ड ब्रेन. सो थैंक यू. यहाँ पर एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी. मेरी स्वर्गीय माता जी श्रीमती निर्मला देवी जी, जो आप सब जानते हैं कि शास्त्रीय संगीत की बहुत बड़ी जानी मानी कलाकार थी, तो जब मैं लिखती थी बचपन से, तो एक मौका ऐसा आया जब 96 में उनकी डेथ हुई थी और मैं लंदन जा रही थी अपनी फिल्म की शूट के लिए गोविंदा जी की, तो मेरी माँ ने मुझे एक लिख के दिया और उस पर साइन करके दिया. मतलब उसके 15 डेज बाद उनकी डेथ हुई है और जाते जाते वो मुझे लिख के देके गई कि कामिनी में भगवान की दया से, ईश्वर की कृपा से ऐसी प्रतिभा है कि 5 मिनट में किसी भी तरह का लेखन लिख लेती है. तब तक मैं 300 एड्स लिख चुकी थी, तो जिंगल्स एड्स इन मतलब पैसा कमाने में ज़्यादा रहती थी मैं, बजाय इसके कि मैं कवि सम्मेलनों में जाऊँ. तो उन्होंने आशीर्वाद दिया अपना और साइन किया और साथ में डेट लिखी. उस चीज़ को मैंने फ्रेम किया और फ्रेम करके अपने मंदिर में लगाया मैंने. आज तक जब मुझे कोई एज ए लेखिका, मतलब एज एन एस्ट्रोलॉजर, एज ए आरजे और ऐसे दूसरे कोई बात हो, बट जब मुझे एज ए लेखिका कोई सम्मान मिलता है तो मुझे लगता है मम्मी दिस बिलोंग्स टू यू बिकॉज ये आपका आशीर्वाद है मुझे. अब वुमेन्स डे के दिन ये चर्चा. थैंक यू गाइस. कविता क्लब में कलाकार आएंगे, उस बारे में आप जानना चाहते हैं? देखिए, ये तो गौरव की बात है. अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ये इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है. तो
इतनी सारी महिलाओं को सम्मान दिया जा रहा है तो हम सब के लिए गौरव की बात है, पूरे समाज के लिए गौरव की बात है। जहाँ पर महिलाएं एक बेड़ी पहनकर दीवारों के अंदर कैद रहती थी, वहाँ दीवारें तोड़कर वो बाहर आ रही हैं, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और महिलाओं को इस एवज में सम्मान मिल रहा है, तो हम सब के लिए खुशी की बात है। हमें भी खुशी हो रही है और सभी को बधाई और बहुत ढेर सारी शुभकामनाएँ। हाँ, मेरा नाम कमल खिमिरे है, मैं एक्टर हूँ। इससे पहले मैं होटेलियर था, मैं 5-star होटल में था, जनरल मैनेजर होटल का था, लेकिन अब मैं एक्टिंग फील्ड में आया हूँ पिछले 2 साल से। और महिला दिवस के लिए मैं यही बोलूँगा कि इट वॉज़ वेरी नाइस, अच्छा, और अभी चल रहा है। इनफैक्ट अच्छे अच्छे अवार्ड विनर्स अतिथिगण हैं हमारे पास, 5 नेशनल अवार्ड विनर्स हैं और MLA साहिबा हैं हमारे, और काफ़ी गण्यमान्य व्यक्ति हैं यहाँ पे, और सारे जितने भी हास्य कविता और कला की से जुड़े हुए सारी महिलाओं को हम लोग ये लोग पुरस्कार दे रहे हैं और सम्मानित कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। इट्स अ ग्रेट थिंग। थैंक यू सो मच। काफ़ी सारे कलाकार अपना जो कला है वो प्रदर्शित करेंगे, तो क्या है? सबसे पहले तो मैं महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, और ये एक बहुत अच्छा कदम है। ये केशव राय जी और मनी पांडे जी जो हमारे दोस्त हैं, उन्होंने बहुत अच्छा आयोजन किया है। सतीश जी हमेशा इस कार्य में आगे रहते हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर, और मेरी तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और वुमेंस दिवस पे बस यही कहना चाहूँगा कि औरतों को जितना ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाए उतना अच्छा है। हम लोग आदमी लोग आगे रहते हैं, अगर वुमेंस को हम लोग प्रमोट करेंगे, वुमेंस को आगे करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। वुमेंस से मुझे याद आया कि इसके ऊपर मैं अभी एक फिल्म भी कर रहा हूँ जिसका नाम है बधाई हो बेटी हुई है, नारी शक्ति के ऊपर। तो नारी शक्ति के ऊपर फिल्म है जिसका नाम है बधाई हो बेटी हुई है, जिसमें मैं जो हीरोइन है उसके फादर का रोल कर रहा हूँ। तो वो फिल्म भी यही संदेश देती है कि बेटियों का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो नारा है हमारे प्राइम मिनिस्टर का, तो ये बहुत सही बात है। बेटियों को आगे बढ़ाना चाहिए, वुमेंस को वुमेंस के साथ हम लोगों को जितना ज़्यादा उनको आगे बढ़ाना चाहिए उतना ही अच्छा है, इस देश के लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है। कमल के साथ में ये भी मानते हैं कि महिलाओं को आज के दिन खाली पूरे विश्व में महिला दिवस मनाया जाता है, उनको सम्मान दिया जाता है, 365 days जी उनको भूल दिया जाता है, उनको अत्याचार होती है, उनके से बहुत सारी महिलाओं पर ये होता है, आपको लगता है कि 365 days उनको सम्मान मिलना चाहिए महिलाओं को? बिल्कुल मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। तो एक हम लोगों ने ये एक दिन सम्मान देने से क्या होता है, बिल्कुल मिलना चाहिए। जितना उनके ऊपर अत्याचार होते हैं, जितना उनके ऊपर ये होता है, ये बड़ी शर्मनाक बात है, और ये रुकना चाहिए, और ये तभी रुकेगा जब हम वुमेंस को हम लोग अगर सपोर्ट करेंगे, वुमेंस को सपोर्ट करेंगे तभी ये चीज़ रुकेगी। और मैं होली आ रही है, होली पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? होली के लिए बस यही है कि रंगों का त्यौहार है, आपस में मिलजुल के रहो, सब अच्छे से होली मिलाओ। और मैं पूरे मीडिया को, आपको सबको बधाई देना चाहता हूँ, पूरे मीडिया को होली की बहुत अच्छी शुभकामनाएं, और बस यही मेरी दुआएं हैं, सब खुश रहें, सब अच्छे से रहें। थैंक यू सो मच। शशिकांत मिश्रा, भूतपूर्व जल सैनिक, आई एम ए रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर फ्रॉम इंडियन नेवी, मेरी पत्नी। हम बड़े खुश होते हैं जब ऐसे कार्यक्रम होते हैं यहाँ मुंबई में जहाँ साहित्य का सम्मान होता है, क्योंकि द नीड ऑफ द टाइम इज दैट वी मस्ट रिस्पेक्ट द वर्ड्स, वी मस्ट रिस्पेक्ट द लैंग्वेज, वी मस्ट रिस्पेक्ट द मैसेजेस। आज ये इंटरनेट की वजह से इतना भटक गया है हमारा युवा कि कहीं ना कहीं शुभ संदेश खो गए हैं, असमंजस में हो गए हैं। तो ऐसे कार्यक्रम हमें दिशा बताते हैं, क्योंकि हमारे देश का साहित्य साहब बहुत ऊंचा है, पूरी दुनिया को हमने सीख दी है, चाहे वो मीरा हो या चाहे वो गालिब हो। मैं बड़ा खुश हूँ और आप सबको मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप इस कार्यक्रम को महत्ता दे रहे हैं और इसे प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आई विश यू ऑल द गुड लक। जय हिंद।
देखिए साहब, इन्होंने याद दिलाया तो मैं मेरे दिल की बात बोलना चाहता हूँ कि रोज महिला दिवस है। मैं सवेरे उठता हूँ तो प्रणाम करता हूँ धरती माँ को, ये हमारी पत्नी है, मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, तो रोज इट इज होल हो एवरी डे इज अ महिला डे, पर आज एक विशेष दिन रखा गया है तो महिला शक्ति को नमन करता हूँ, क्योंकि महिला के बगैर ये दुनिया संभव नहीं थी। महिला का दूसरा पर्यायवाची शब्द प्रकृति है, वो मदर नेचर है, तो माँ तो आपके हमारे अंदर सबके अंदर काम कर रही है। इन शब्दों के साथ मैं आपको बधाइयाँ देता हूँ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की। देना चाहूंगी लोखंडवाला कविता क्लब को कि उन्होंने इस तरह का कार्यक्रम वुमेन्स डे पे ऑर्गेनाइज किया है, और ये बहुत खुशी की बात है, हम महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं का सम्मान हर दिन होना जरूरी है, उसके लिए कोई एक दिन नहीं आप डिसाइड कर सकते कि हम एक दिन महिलाओं को सम्मान देंगे, क्योंकि घर में काम करने वाली गृहिणी से लेकर चांद तक पहुँचने वाली नारी को सम्मान मिलना चाहिए उनके आसपास लोगों के माध्यम से। और अपने बारे में बताऊँ तो मेरा नाम कल्याणी सिंह है और मुंबई में 2 सालों से हूँ। राष्ट्रपति अवार्ड मुझे 2016 में मिला था, मैं एज एक कथक डांसर हूँ और इंडिया को रिप्रेजेंट किया है मैंने साउथ कोरिया में, और बहुत सारे स्टेट में परफॉर्मेंस दे चुकी हूँ और अभी मुंबई में काम कर रही हूँ। बट बहुत मुश्किल होता है जब हम सम्मान की बात करते हैं, बहुत ऐसे छोटे छोटे कस्बे हैं आज भी देश के जहाँ महिलाओं को जब घर से निकलती हैं तो उन्हें बहुत अजीब अजीब तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। अगर लोगों के विचार में स्वतंत्रता नहीं आएगी तो नारी का सम्मान कहाँ से होगा? हम मॉडल टाउन में रह रहे हैं तो हमें पता है कि यहाँ पे लोगों को सम्मान, नारी को सम्मान मिल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस दिन एक लड़की, एक आम लड़की, चाहे वो शहर की हो या गांव की हो, निडर होकर रात या दिन कभी भी वो घर से बाहर निकलेगी ना, उस दिन असल मायने में औरतों का सम्मान होगा, नारी का सम्मान होगा। थैंक यू। सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहती हूँ लोखंडवाला कविता क्लब को कि हम ऐसे विक्टिम को उन्होंने बुलाया है, विक्टर्स नॉट विक्टिम, और मेरी टीम भी ऊपर बैठी है भैया। एक्चुअली एसिड अटैक होने के बाद ज़्यादातर सोसाइटी एक्सेप्ट करती नहीं हमको, लेकिन छोटी छोटी लोग जैसे मतलब सामने चल के अभी हमको एक्सेप्ट कर रहे हैं, चेहरे को नहीं, हमकी हमारी खूबसूरती को देख रहे हैं, तो इसके लिए मुक्ति फाउंडेशन, उसको भी धन्यवाद बोलना चाहूँगी मैं। जी जरूर, हम 4 देवियाँ नहीं हैं, पहली बात तो ये कि हम 5 देवियाँ हैं, एक हमारी नहीं यहाँ पर उपस्थिति अपनी दे पाई है, तो गैंग सिस्टर्स 5 कवित्रियों से मिलकर बना है ये बात है। अंदर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, हम लोगों को सम्मानित किया गया विश्व महिला दिवस पर, और हम सभी गैंग सिस्टर्स ने जो है उस सम्मान को बहुत गर्व से स्वीकार किया। लोखंडवाला कविता क्लब के हम सब बहुत शुक्रगुजार हैं, और बाकी आप सवाल पूछिए तो हम सब जवाब दें। बहुत खूबसूरत अनुभव था, हम लोगों को आज बहुत अच्छा लग रहा है, गर्व के पल हैं हम लोगों के लिए। आज अगर हमारी गैंग सिस्टर लता हया होती तो हम 5ों आपके साथ होते, हमारी टीम पूरी होती, लेकिन फिर भी हम लोगों को लग रहा है कि वो हमारे साथ हैं। अच्छा लगा आज जब सारे चैनल्स पॉलिटिकल और कोरोना से फुर्सत नहीं मिल रही है तब आप लोग हमें स्पेस दे रहे हैं, जिनका वो काम है वो उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। महिला दिवस पे खास करके ये कार्यक्रम रखा गया है, क्या लगता है आपको महिलाओं को आज एक दिन सम्मान देके 365 डेज में महिलाओं को सम्मान देना चाहिए लगता है आपको? एक दिन देके और कल भूल जाते हैं, फिर वही महिलाओं के साथ अत्याचार उनको सब होता रहता है, तो ये लगता है आपको 365 डेज सम्मान देना चाहिए महिलाओं को लगता है? देखिए सम्मान जो है ना वो देने से पहले लिया जाता है, सम्मान लेना आना चाहिए, सम्मान मुफ्त में बढ़ता नहीं है, हमें ऐसा होना पड़ेगा कि लोग हमारा सम्मान करें। सच बात यह है कि महिला कहीं से भी ना तो कमज़ोर है, ना छोटी है, ना कमतर है, हमको अपनी शख्सियत को पह
पहचानना होगा और पहचानते भी हैं, उसका एहसास नहीं है। जिस दिन इस चीज़ का एहसास हो जाएगा, कोई महिला ऐसी नहीं होगी कि जिसका सम्मान ना हो। तो ये गेन करना पड़ता, कमाना पड़ता है। तो सिर्फ पुरुष वर्ग को हम इसके लिए दोषी मान लें कि वो सम्मान नहीं करता, हम क्यों अपने आप को क्यों इस तरह से प्रस्तुत करें ना कि सम्मान करना पड़े, आप मजबूर हो जाएं सम्मान करने के। बिल्कुल, जो दीप्ति जी ने कहा बिल्कुल सही बात है। और लेकिन जहाँ आपका इशारा है, यहाँ तक मैं समझ रही हूँ कि जो स्थिति पूरी दुनिया में है, जो महिलाओं की दबी कुचली स्थिति है वो, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। बलात्कार या कुछ भी, किसी भी चीज़ को ले लो या अशिक्षा को ले लो, उसके लिए 365 डेज नहीं, हर पल हमें जागरूक रहना पड़ेगा, खासतौर से हम महिलाओं को। और ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पर इस तरीके से महिलाओं को और उनके कामों को सम्मान दे करके हम यहाँ से अपना संदेश पूरी दुनिया को, सारे पुरुषों को, सारी महिलाओं को कम से कम पहुँचा सकते हैं कि आपको महिलाओं का सम्मान हर रूप में, हर वक्त, हर पल करना है। एक दिन महिलाओं का सम्मान 8 मार्च के दिन, उस दिन किसी भी संस्था के द्वारा अवार्ड हासिल करना या कुछ भी, उसके लिए बहुत सारी सारी महिलाएं हैं जिनको प्रेरणा मिलेगी ऐसे कार्यक्रमों से, या मिलती भी है, और वो साल भर अच्छे कार्य अपने अपने फील्ड में करने की चेष्टा करती हैं। तो मेरे ख्याल से इस तरह के अवार्ड फंक्शन बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी जी। और एक होली आने वाली है, उससे पूर्व संध्या पे कार्यक्रम है, चलते चलते अपने दर्शकों को एक कवि के माध्यम से एक संदेश और या तो कविता हो जाए होली के अवसर पर। होली रख दो तो 4 लाइनें मेरे पास है, आप 1 सेकंड देंगे। चूँकि इस वक्त जो स्थिति है कोरोना वायरस जो है जिस तरह से फैल रहा है, तो हम कोशिश करें कि थोड़ा एहतियात के साथ होली खेलें। होली खेलें तो बस इतना ही, और त्यौहार तो त्यौहार होता है, आप गुजिया बनाइए। बहुत शुभकामनाएं होली की सभी दर्शकों को, सभी हमारे देश को, पूरे देश को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएँ, पर एहतियात के साथ होली खेलें। और अभी 2 दिन बाद होली जलने, परसों कल जलेगी होली, तो मैं कहूँगी कि करे होलिका दहन चलो हम नफरत सारी आग जला दें। अच्छा, करे होलिका दहन चलो हम नफरत सारी आग जला दें, दिल मिल जाए दिल से अपने, अपनों को इस तरह सदा दें, और भूल के सारे भेदभाव एक दूजे को हम गले लगा लें, और होली के सारे रंगों में प्यार का भी एक रंग मिला लें, प्यार का भी। सबसे पहली बात तो मैं महिला दिवस के इस शुभ अवसर पर आप सबको और तमाम देश की सारी महिलाओं को प्रणाम करता हूं, और मुझे लगता है कि नारी शक्ति को प्रणाम करता हूं, क्योंकि जिसके पास नारी शक्ति है, जिस काम में नारी शक्ति है वहां पर सारी शक्ति है। जहां नारी शक्ति वहां सारी शक्ति। तो ऐसे शुभ अवसर पर यह कवि सम्मेलन का कार्यक्रम हो रहा है, और बड़े बड़े कवि, बड़े बड़े हास्य कलाकार, बड़े बड़े फिल्म स्टार यहाँ आ रहे हैं। तो होली के शुभ अवसर पर एक परिवार की तरह जो ये होली समारोह किया जा रहा है, मैं इसे इसको जो फैमिली के साथ होली मनाई जा रही है, इस समारोह को कहता हूँ होली फैमिली, होली फैमिली समारोह फेस्टिवल। सुनील जी, ये भी मानते हैं कि आज के दिन लोगों का प्यार जो है महिलाओं की तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव रहता है, महिलाओं को बहुत सम्मान दिया जाता है, मिलना चाहिए, क्योंकि महिलाएं जो है वो उनका मुकाबला किसी और चीज़ से किया नहीं जा सकता। मुझे लगता है कि वो बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए करती हैं, अब तो सब लोग जानते ही हैं, लेकिन अलग से मैं कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। बस ये कहना चाहता हूँ कि आज महिलाओं का भी दिन है और पुरुषों का भी दिन है, आज संडे है, तो संडे मतलब बच्चों का, बेटों का भी दिन है, तो महिलाएं और पुरुष इससे मिलकर ये दिन बना है। तो मुझे लगता है कि चारों तरफ महिलाएं और चारों तरफ बेटे, यानी आठों तरफ, यानी इसलिए 8 तारीख को आज ये संगम हुआ है, बहुत अच्छा संगम हुआ है। तो होली के दिन ऐसे ही, मेरा ऐसा मानना है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बन जाओ सब भाई भाई, क्योंकि ऑलरेडी है,
प्यार के रंग से खेलो रे होली, चढ़ के ना ये रंग उतरेगा, हर रंग कच्चा रे कच्चा, प्रेम रंग सच्चा रे सच्चा। थैंक यू जी, ऑल द बेस्ट। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है आज, सबको शुभकामनाएं देती हूं। और इस अवसर पर जो आज प्रोग्राम यहां पे रखा गया है, बहुत अच्छे से रखा गया है, यहां के जो आयोजक है उनका अभिनंदन करती हूं। बहुत सारे नारियों का यहां पे सम्मान हुआ है और यहां पे प्रोग्राम में जो भी कविताएं सुनाई दी या शेर सुनाई दे वो बहुत ही अच्छे थे, इसलिए मैं उनका अभिनंदन करती हूँ। भारती जी, आप ये भी मानते हैं कि महिलाओं आज एक दिन महिलाओं को सम्मान दिया जाता है और बाद में तमाम सारी चीजें होती है, लगता है आपको 365 डेज महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए? हाँ, ये तो है, आपको पोला पता है ना, पोला जो हम जो त्यौहार है वो करते हैं तो एक ही दिन करते हैं पूरे साल में, बाकी तो दिन उसको तकलीफ ही देते हैं, अत्याचार होते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि खाली एक दिन 8 मार्च को सम्मान करके कोई फायदा है नहीं, हर दिन उसका उत्सव होना चाहिए स्त्री शक्ति का, उसको सम्मान देना चाहिए। और आजकल तो जितने अत्याचार बढ़ रहे हैं, जो भी बलात्कार हो रहे हैं, उसका तो मैं कितने सब में निषेध करूँ मैं बोल नहीं सकती, लेकिन ऐसा लगता है कि फिर से एक बार ऐसा कुछ क्रांति होने की जरूरत है कि हमारी महिलाएं जो अत्याचार हो रहा है वो रुक जाए, क्योंकि फिर से पीछे जा रहे हम, ऐसा लग रहा है मुझे तो। ये अत्याचार रुकने चाहिए, बहुत दर्द होता है, हिंगनघाट हो या तो लासलगांव हो, नांदेड़ हो, पनवेल हो, बहुत सारी लंबी लिस्ट है, तो देखते हैं अभी क्या होता है। होली तो कल है, आज तो हमारा दिन है, मैं भी एक स्त्री एमएलए हूँ तो आज का दिन हमारा है, होली की भी शुभकामनाएं देती हूँ, लेकिन आज का दिन हम सेलिब्रेट ज्यादा कर रहे हैं। दोस्तों, मैं दीनदयाल मुरारका, मुझे आज यहाँ बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं, क्योंकि हमारे जीवन में महिलाओं का जो योगदान है उसे हम लोग किसी भी मायने में आंक नहीं सकते, वो हमारे उम्मीदों से बहुत ज़्यादा है। मैं ये मानता हूँ कि हमारे जो एग्जिस्टेंस है, हम जो इस दुनिया में आए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के योगदान से, अतः महिलाओं का रूप हमारे सारे जीवन में, माँ बहन और पत्नी, ये अलग अलग हमारे जीवन के स्टेजेस में अलग अलग हमें सपोर्ट मिलता है, अतः अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ही नहीं, हमें अंतर्राष्ट्रीय महिला साल मनाना चाहिए, महिलाओं के तो 365 दिन होने चाहिए। 365 पे ख्याल आया कि एक दिन लोग महिलाओं को सम्मान देते हैं उसके बाद भूल जाते हैं, फिर वही अत्याचार, फिर वही वो सब। 365 दिन मिलना चाहिए महिलाओं को सम्मान, ऐसा आप मानते हैं? जी हाँ, आज की जो स्थिति है वो निसंदेह बहुत अच्छी नहीं है। आज हम समाचार पत्रों में देश के हर कॉर्नर से जो न्यूज़ हमें मिलती है वह बहुत अच्छी नहीं होती है। महिलाओं पे अत्याचार, महिलाओं पे जो रेप जैसे संगीन मामले हो रहे हैं, जो हमारी सोसाइटी के एक अच्छे विकास के लिए बराबर नहीं है, और एक बहुत दुख होता है कि क्रिमिनल लोगों को हमारे लॉयर्स संरक्षण देकर उन्हें येन केन प्रकरण सुरक्षा देते रहते हैं। होली के पूर्व संध्या पे कार्यक्रम हो रहा है और होली दो दिन बाद ही है, एक दिन बाद है, क्या कुछ कहना चाहेंगे एज ए सोशल वर्कर, आप समाज सेवक हैं? हाँ जी, हाँ सर, होली के पूर्व संध्या पर मैं अपने सभी दर्शकों को शुभकामनाएं देना चाहूँगा। मैं एक दीनदयाल मुरारका फाउंडेशन, यह एक ट्रस्ट चलाता हूँ, जिसके माध्यम से मैं भी समाज सेवा से जुड़ा हुआ हूँ। हम लोग ने जो भी कमाया है समाज से, वहाँ उसका बहुत नहीं तो आधा हिस्सा ज़रूर हमने दूसरों को देना चाहिए, ताकि लोगों तक हमारे फ्रूट्स पहुँचे। और इस तरह अगर हम सभी लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते जाएंगे तो निसंदेह हमारा समाज बहुत जल्द ऊपर आ जाएगा।
मैंने ऑब्जर्व किया है कि जितने भी बड़े लोग, पैसे वाले लोग या वेल्दी लोग जीवन भर कमाते रहते हैं, जमा करते रहते हैं, एट द फेग एंड ईयर ऑफ देयर लाइफ वो सिर्फ 20% भी अपने अर्निंग का उपयोग नहीं कर पाते। हम लोग चले जाते हैं 80-90% हमारी अर्निंग इसी तरह छोड़कर। तो मेरी ऐसी आइडिया है, क्यों ना हम लोग अपने जीवन काल में ही अपने द्वारा कमाए गए कुछ हिस्से को समाज को वापस दे, और ये प्रक्रिया अगर हम सभी लोग करेंगे तो निसंदेह समाज के आखिरी व्यक्ति तक हमारी इनकम की, हमारी कुशलता की, हमारी जानकारी की, हमारी शिक्षा की उनको बेनिफिट होगा। थैंक यू सर। आज तो सबसे पहले मैं आज महिला दिवस पे, वर्ल्ड वुमेन डेज पे, मैं सबको, सभी महिलाओं को, सभी माताओं बहनों को, सभी महिलाओं को, बच्चियों को, सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना देता हूँ। और आज बहुत ही खुशी की बात है कि कविता क्लब की तरफ से ये आयोजन किया गया है, सम्मान दिवस मना रहे हैं और सबको सम्मान दे रहे हैं। तो मेरी बच्ची, मेरी बेटी स्नेहा शंकर, इसको भी यहाँ पर बुलाया है, बहुत खुशी की बात है, बहुत धन्यवाद। और मैं भी यहाँ पर आया हूँ आप सबसे मिलने, आप सबका आशीर्वाद लेने। तो स्नेहा कुछ बोलिए। फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे। और मुझे आज बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैं आज यहाँ आई हूँ। और थैंक यू कहना चाहूँगी मैं कविता क्लब के सारे मेम्बर्स को, स्पेशली केशव राय अंकल जी को, जिन्होंने आज मुझे भी सम्मान आज मिलेगा। सो दैट इज़ अ रियली वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर मी। सो थैंक यू सो मच। बिल्कुल बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि महिलाएं जो है वही शक्ति है, हर चीज़ के पीछे आदि शक्ति भी है महिला। और इस युग में भी जो शक्ति रूप है वो महिला है। तो महिलाओं को सम्मान तो हमेशा मिलना चाहिए और मिलते रहना चाहिए। और मैंने बड़ा सुंदर एक, इस महिला दिवस के लिए एक बहुत सुंदर गीत श्रीमती अमृता फडणवीस जी की आवाज़ में रिकॉर्ड किया है, और वो भी बहुत जल्द आ जाएगा आपके समक्ष। तो मैं चाहूँगा दो बोल उसके मैं सुनाऊँ आपको। आप कुछ कहना चाहोगे? आप कुछ कहोगे? That's the truth. Actually, एक दिन सारी महिलाओं के लिए मनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा कम है, just 24 hours is not enough. तो आई थिंक हमें 365 डेज पूरा साल उनके लिए मनाना चाहिए, बिकॉज वो ऐसे नहीं करती कि वो एक ही दिन हमारा ध्यान रखे या कुछ करे। वो 365 डेज हमारे पीछे लगे रहते हैं, हमारी मेहनत करते हैं, चाहे वो किसी भी रोल में हो, बेटी, वाइफ, एनीथिंग, बट महिलाओं को 365 डेज सम्मान मिलना चाहिए। जी मैं वो जो मैंने गाना रिकॉर्ड किया है महिलाओं के लिए ही, और महिलाओं, नारी शक्ति के लिए। जागो 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 देशवासियों, है ये संदेशा हम सबका, घर घर पहुंचाओ, है ये संदेशा हम सबका, घर घर पहुंचाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, जागो 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 देशवासियों। थैंक यू वेरी मच। मैं बेस्ट विशेस देना चाहूँगी केशव राय जी को, जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया है। और आज वुमेंस डे है, मैं बहुत खुश हूँ कि मतलब आज हम वुमेंस को नवाजा जाएगा। और मेरे साथ साथ बहुत बड़ी डिग्निटरीज हैं जिनके साथ हम प्लेटफॉर्म ये शेयर करने वाले हैं। तो इट्स द आई शुड से इट्स वन ऑफ द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड के मतलब हम यहाँ गैदर हुए हैं और ये प्लेटफॉर्म शेयर करने वाले हैं। महिला दिवस पे कार्यक्रम रखा गया है, लगता है आपको 365 डेज महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए, ना कि एक दिन। बिल्कुल, मैं यही कहने वाली थी कि वुमेन्स डे को सिर्फ हम 8 मार्च को ही ना मनाएं, बल्कि हर एक वो दिन मनाएं कि मतलब वुमन सिर्फ एक ही दिन के लिए मनाई नहीं जानी चाहिए या सेलिब्रेट नहीं होना चाहिए। एवरी डे शुड बी सेलिब्रेटेड बाय वुमन
फॉर वुमेन, क्योंकि जो एक औरत होती है वो एक मेन कड़ी होती है हर चीज़ को बांधने की, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो हस्बैंड हो, चाहे वो उसका खुद का करियर ही क्यों ना हो। तो एक औरत होने के नाते उसे खुद को भी सेलिब्रेट करना चाहिए और उसके साथ साथ दूसरी औरतों के साथ औरतों को भी सेलिब्रेट करना चाहिए। ये नहीं कि एक औरत दूसरी औरत को नीचा गिरा रही हो या उसे खींच रही हो या उसकी उसके साथ बदसलूकी कर रही हो, व्हाटएवर आजकल जो भी हो रहा है। बट आई थिंक अ वुमन शुड एम्पावर वुमन इट्सेल्फ, यू नो, एंड वुमन शुड ऑल्सो बी एम्पावर्ड इन हर सेल्फ। सभी सभी लोगों को होली की बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। प्ले सेफ होली, यही कहना चाहती हूँ। आजकल बहुत कुछ फैला हुआ है तो सोच समझ के होली खीजिए, खेलिएगा। तो आप सबको बहुत बहुत बेस्ट विशेस मेरी तरफ से। कविता क्लब है इसी की जानकारी मुझे नहीं थी, ये केशव जी के वजह से मुझे जानकारी मिली और मैं यहाँ के बहुत खुश हूँ। और कविताएं सुनने को मिली, लेकिन उससे ज़्यादा महिलाएं जिस थीम पे आजकल लिखना शुरू कर रही हैं, जिस तरह से खुद को देख रही हैं, उसमें काफ़ी बदलाव है। हाँ, और ये भी लोगों का कहना है कि हमें साइकिल के दो पहिए नहीं होने हैं जहाँ पे मर्द आगे जाता है औरतें पीछे रहती हैं, हमें एक रथ का पहिया बनना है जो दोनों साथ साथ चलते हैं। और मेरा ख्याल ये बात सही है कि अगर आप कहीं महिला दिवस पे या किसी भी आप जब बात करते हैं महिला के उत्थान के लिए या कुछ भी, तो एक बात तो है कि महिलाएं आगे नहीं बढ़ सकती जब तक पति साथ ना हो या तब तक पुरुष साथ ना हो, क्योंकि पूरा समाज जो है वो महिलाएं पुरुष लड़के और लड़कियों से बना है। और जब तक लड़कियों को और लड़कों को माँ बाप एक नज़र से नहीं देखेंगे, ये नहीं हो सकता। और यहाँ पे जिस तरह की कविताएं सुनी हैं, जिस तरह के लोगों से मिली हूँ, अरुणा राजे जी भी आई हैं, तो मिलके मुझे तो बहुत खुशी हुई। आप ये मानते हैं कि एक दिन केवल महिलाओं को सम्मान दिया जाता है, इसके 365 days महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए? देखिए, ये तो कहने की बातें हैं कि 365 days सम्मान देना चाहिए, ये तो रोज बोलता है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि महिला को 365 days लड़ना पड़ता है, ठीक है? एक दिन तो मिलता है महिलाओं को जहाँ पे उनका दिवस माना जाता है, ठीक है? हम लोग लेबर डे 1 मई को मानते हैं, महाराष्ट्र दिवस 1 दिन को मानते हैं, इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त 1 दिन को मानते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है कि पूरे सारे साल भर हम अच्छे नागरिक नहीं बनने की कोशिश करते हैं। तो एक दिवस वो होता है जिसको हम एक चुनते हैं कि इस चीज़ को सामने लाने के लिए। अगर आप कहते हैं कि महिला को 365 दिन सम्मान देना चाहिए तो वो नहीं मिलता है, ये तो हम भी जानते हैं। नहीं तो इस देश में रेप नहीं होते, इस देश में महिला के ऊपर जो अत्याचार होता है वो नहीं होता है। मेरा तो ये कहना है कि महिला को 365 days लड़ना चाहिए। मैम ने काफ़ी अच्छे तरीके से बताया, जिस तरह से मैम ने आप सभी को मैसेज दिया है वुमेंस इंटरनेशनल डे पे, कि महिला का जो समर्पण और त्याग और जो लोगों के लिए जो जिंदगी होती है अपने घर परिवार के लिए जो होता है, शायद मैम ने बताया इनडायरेक्टली कि इनका खुद का सपना जो होता है उसको दबा के अपने बच्चों अपने घर परिवार के लिए ज़्यादा समर्पण की भावना होती है। और हमें ऐसा लगता है कि मैम ने काफ़ी कुछ बोल दिया है और आप सभी को वुमेंस इंटरनेशनल डे के दिन सभी महिलाओं को हमारी तरफ से बहुत 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 केशव जी की भी एंट्री हो गई। अब हमारे बीच दो और सुपरस्टार आए हैं, आइए सिद्धार्थ जी। सिद्धार्थ सब संगीतकार हैं, इनका एक एल्बम महिलाओं पर औरत और मधुश्री गायिका आई है। किताबें खरीदी हैं इसलिए आप मधुश्री जी आइए। केशव जी, इनका औरत जो एल्बम है उसका क्या कहना चाहेंगे?
उन्होंने इस दिवस के ऊपर में ये कार्यक्रम रखा है और महिलाओं के सम्मान के लिए कार्यक्रम है ये, इस दिवस के ऊपर एक दिन मनाते हैं वो बहुत अच्छी बात है, पर किंतु इससे जागृत ये भावना होनी चाहिए कि महिलाओं के हमारे जीवन में जो इम्पोर्टेंस है, जिस प्रकार का उनकी भूमिका है, चाहे वो परिवार की धुरी बनकर रहने में हो, चाहे अलग अलग विषय में अलग अलग रूप में हो, तो उसका सम्मान और उसके प्रति जो भाव है वह पूरे देश में दुनिया में एक जो जेंडर इक्वालिटी की हम बात करते हैं उस वाले के उसको हमेशा हमें सतत रखें। और आज के यहाँ से ये मैसेज मिले, जिसे हम जैसे आप बता ही रहे थे तो 365 दिन तक हम उसी भावनाओं को कायम रखें, तो मुझे लगता है कि आज का ये आयोजन सफल होगा। मधुर जी कहाँ से शुरू करेंगे? सबसे पहले तो मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पर। बचपन से मैंने देखा है, मेरे पिताजी बहुत दुखी रहते थे क्योंकि उनका बेटा नहीं है, चार बेटी। मेरी मम्मी एक स्कूल टीचर थी, चार बच्चे को पालना, स्कूल जाना, घर का काम करना, लेकिन तो भी खुश रहती थी। और हमें सिखाया कि ऐसा कुछ करो कि तुम्हारा पिताजी खुश रहे और ये सोचे कभी उनके मन में ये गम ना हो कि बेटा नहीं हो। बड़े होने के बाद मैंने देखा इतना आसान नहीं है, लेडीज़ को बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, बहुत अनरिटन रूल्स है, ये नहीं करना, ये करना, ये करना नहीं चाहिए। लेकिन एक बात है, लेडीज़ के मन में जो शक्ति है, जो कॉन्फिडेंस है, वो बहुत ज़्यादा है। वो घर चला सकती है, सब कुछ कर सकती है, और अगर ठान ले कि मुझे ये करना है तो करती है। वो गाना है ना, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान ले। जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में आई करीब 1998-99 में, तब मैंने देखा, तब मैं बहुत यंग थी और देखने में भी अच्छी थी। अभी भी वैसे हो, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। तो बहुत सारे लोगों के गलत नज़र थी, बहुत मिसगाइड करने को कोशिश की, लेकिन मैंने सोचा नहीं, मुझे जो करना है जिसके लिए आई हूँ, और बहुत अच्छे लोग मिल गए इस इंडस्ट्री में। इस इंडस्ट्री क्या, पूरी दुनिया में बहुत अच्छे लोग हैं, तभी तो दुनिया चल रही है। सबका साथ मिला, सब ने बहुत हौसले दिए, म्यूजिक डायरेक्टर्स रहमान जी, बचपन में डैडी जी, शादी के बाद रवि जी हस्बैंड, फिर दोस्तों सिद्धार्थ भी एक दोस्त है, फिर बहुत सारे लोग हेल्प किए, तभी आज जो भी कुछ हूँ मैं यहाँ पर हूँ। अब मैं थैंक यू कहना चाहूँगी केशव राय जी और सभी को जिन्होंने ये हौसला देने के लिए कार्यक्रम आयोजन किया है, थैंक यू सो मच। इसमें क्या होता है, बहुत अच्छा लगता है और भी लगता है जो हम कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, लेकिन आज का दिन बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली में मेरा तो बहुत अच्छा गाना भी एक है, मंगल पांडे फिल्म में रानी मुखर्जी के लिए गाना गाया मैंने, बहुत ही अच्छा गाना था। दिखवाई होली रंग लाई होली पूरी पिच कर, क्या था, पूरी पिच करी उड़ा है चली भा, दिखवाई होली रंग लाई होली चली पिच करी उड़ा है गुलाल, ना 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 ना। मुझे याद नहीं है, लेकिन बहुत ही अच्छा गाना है और सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन प्रॉब्लम ये है आजकल कोरोना वायरस, इसलिए बहुत सारे होली का कार्यक्रम बंद हो गया है। दूर से ही सबको शुभ होली के लिए गले कम मिलिए, रंग कम दीजिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, कोरोना वायरस नहीं होगा हमारा इंडिया में, और सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सीरियल्स भी मैंने किए हैं। आज मैं आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, और ख़ास करके आज इंटरनेशनल वुमेंस डे है, तो मैं आज सब वुमेंस को हैप्पी वुमेंस डे करना चाहूँगी। वुमेनहुड इज़ अ सेलिब्रेशन इन इटसेल्फ, और इसे मुझे नहीं लगता कि कोई ख़ास दिन होना चाहिए सेलिब्रेट करने के लिए, सारे दिन वुमेंस डे होने चाहिए, क्योंकि एक औरत जो होती है वो एक माँ होती है, बेटी होती है, बहन होती है, किसी की बीवी होती है, और वो बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करती है अपनी लाइफ में ताकि दूसरों को खुशी मिल सके, दूसरों को एक अच्छी ज़िंदगी मिल सके। इसीलिए मैं सोचती हूँ कि इससे बड़ा एक सैक्रिफाइस जो कहते हैं वो नहीं हो सकता, इसलिए हमें ज़रूर
सेलिब्रेट करना चाहिए वुमेंस डे, और दुनिया की सारी महिलाओं को मैं हैप्पी वुमेंस डे विश करना चाहूँगी।